नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 23 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। ठंड को लेकर डीएम ने स्कूल के टाइमिंग्स में किए बदलाव। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ठंड को ध्यान में रखते हुए कई गैर सरकारी और सरकारी स्कूलों के टाइमिंग्स में फेरबदल किए गए हैं, जिसकी जानकारी मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने सभी सरकारी स्कूलों को अपने जारी किए गए पत्र में दे दी है, जिसके तहत अब मुजफ्फरपुर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक चालू रहेंगे। जिलाधिकारी का कहना है कि संभावित ठंड को देखते हुए 26 दिसंबर तक स्कूल का टाइमिंग में यही बदलाव फॉलो किया जाएगा। लगभग 3 करोड़ परिवारों को अब सीएए का मतलब समझाएगी भाजपा। नागरिकता संशोधन विधेयक पर देश भर में जारी विरोध को देखते हुए भाजपा ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब सरकार लगभग 3 करोड़ परिवारों को नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में समझाएगी, जिसके तहत भाजपा ने लगभग 250 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। इसके अलावा हर जिले में नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम का भी आयोजन करने का ऐलान किया है। इंटर के प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रवेश पत्र हुआ जारी। सभी इंटर देने वाले परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड ने इंटर के प्रैक्टिकल एग्जाम के प्रवेश पत्र को जारी कर दिया है, जिसको अब परीक्षार्थी बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseb.inter.edu.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें, बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर यह प्रवेश पत्र 10 जनवरी तक अपलोड रहेगा, जिसके पश्चात यह परीक्षा 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी। नवादा जिले के ककोलत जलप्रपात में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। नवादा जिले के 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाला प्राकृतिक पर्यटन स्थल ककोलत जलप्रपात की खूबसूरती को निहारने देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं और मौज मस्ती करते हैं। इसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में फ्रांसिसी बुकनान ने 1811 ईस्वी में इस जलप्रपात को देखा था। अगर आप यहां आने की सोच रहे हैं तो गर्मी के दिनों में आए, क्योंकि यहां का पानी हमेशा ठंडा ही रहता है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को यहां 5 दिवसीय सतुआनी मेला लगता है, जिसमें लोग भारी संख्या में आते हैं। अब आइए जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। सुब्रतो बैनर्जी भारतीय क्रिकेट टीम के सफल गेंदबाजों में गिने जाते हैं। सुब्रतो बैनर्जी मूल रूप से बिहार के निवासी है। सुब्रतो का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 13 फरवरी 1969 में हुआ था। अगर हम सुब्रतो के क्रिकेट करियर की बात करें तो सुब्रतो ने अभी तक कुल मिलाकर भारत के लिए साल 1991 से लेकर 1992 तक एक टेस्ट मैच और 6 ODI खेला है, जिसमें कि उन्होंने अपने क्रिकेट करियर का एकमात्र टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्ने का भी पहला टेस्ट डेब्यू था, जहां उन्होंने 47 रन देकर 3 दिग्गज बल्लेबाजों के विकेट चटकाए थे। कैब पर एनआरसी को लेकर राजद ने नीतीश कुमार पर कसा था। सीएए और एनआरसी को लेकर के बिहार में माहौल काफी गर्म है, ऐसे में विपक्षी बयानबाजियों ने भी तुल पकड़ा हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि कुछ भी हो जाए बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, जिसके बाद से विपक्ष तंज कसने में जुट गया है, जिस पर राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार का एनआरसी पर यह रोक बस लोगों को बरगलाने के लिए है। नीतीश कुमार कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। बिहार को जल्द मिलेगा कृषि कर्मण पुरस्कार। यह पुरस्कार बिहार को अगले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में देंगे। प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहे इस सम्मान में 2-2 करोड़ रुपए, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र शामिल है। आपको बता दें, इस सम्मान को ग्रहण करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कृषि मंत्री, सचिव कृषि विभाग और कृषि निदेशक को आमंत्रण भेजा गया है। गोपालगंज में मंगल पांडे ने जल जीवन हरियाली के लिए की समीक्षा बैठक। जदयू के मंत्री मंगल पांडे ने बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली अभियान के तहत समीक्षा बैठक का आयोजन गोपालगंज में किया था। आयोजित की गई इस बैठक में उन्होंने इस अभियान के चल रहे कार्यक्रम के साथ साथ इस अभियान के तहत जारी किए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए अन्य मंत्रियों के साथ इस बैठक में विचार विमर्श किया। आयोजित बैठक का हिस्सा मंगल पांडे के अलावा अरशद अजीत सिंह, भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी के अलावा जिले के कई अधिकारी भी रहे। 20 शिल्पकारों को दिया जाएगा राज्य पुरस्कार। शिल्पकला में राज्य पुरस्कार पाने वालों की सूची तैयार कर ली गई है। इस बाबत विभाग ने कलाकारों का चयन भी कर लिया है। आपको बता दें, शिल्पकार को सम्मानित करने की इस प्रतियोगिता को उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान ने साल 2018 में इसकी शुरुआत की थी, जहां पर अलग अलग जिलों के कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों के आधार पर उन्हें सम्मानित किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा कलाकार मधुबनी जिले के थे। कागियो मोनलम पूजा का हुआ समापन। 15 दिसंबर से गया जिले के महाबोधि मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय कागियो मोनलम पूजा का समापन हो गया है, जिसका नेतृत्व 17वें कर्मापद त्रिनले थाय दोर्जे ने किया था। आपको बता दें, पूजा के खत्म होने के दिन पवित्र बोधि वृक्ष की छाव में उपस्थित बौद्ध लामाओं ने धर्मगुरु की लंबी आयु की प्रार्थना की है। पूजा स्थल पर चढ़ाए गए प्रसाद बिस्कुट का सेवन भी किया।
निर्वाचित पैक्स अध्यक्षों ने ली शपथ। हाल ही में संपन्न हुए पैक्स चुनाव में सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के रघुनाथपुर पैक्स के नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष अमित कुमार समेत अन्य कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को प्रखंड पदाधिकारी राजीव रंजन ने शपथ दिलवाई है। साथ ही साथ सभी सदस्यों से निष्पक्ष एवं निस्वार्थ भाव से किसानों के हित में कार्य व धान खरीद में पारदर्शिता बरतने की बात कही है। एसएससी के सीएचएसएल प्रतियोगिता में नवादा के ऋषि ने मारी बाजी। हाल ही में हुए एसएससी के सीएचएसएल प्रतियोगिता में बिहार के नवादा जिले के ऋषि ने अपना परचम फहराया है। आपको बता दें, ऋषि ने एसएससी के सीएचएसएल 2017 की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। ऋषि की उपलब्धि से उसके परिवार के साथ साथ पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ रही है। बिना निबंधन किराए के शिक्षण संस्थान चलाने वालों की अब खैर नहीं। अगर आप भी बिना निबंधन किराए के किसी भी प्रकार का शिक्षण संस्थान चला रहे हैं तो आपको संभलने की जरूरत है, क्योंकि अब बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम के अनुसार अब ऐसे कोचिंग संस्थानों को जल्द ही बंद किया जाएगा। इस बाबत भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से ऐसे सभी संस्थानों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही साथ ऐसे कोचिंग संस्थानों पर सख्ती से पेश आने का निर्देश भी जारी किया है। बालू के दामों में दर्ज की जा सकती है गिरावट। बालू खनन में आ रही समस्याओं का निदान जल्द किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। खबरों की माने तो जल्द ही नए बंदोबस्ती के बाद बालू के सस्ता होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर बालू के अतिरिक्त पैसे के लेन देन को रोकना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बालू का सरकारी रेट इस समय में बालू खदानों में 1,050 रुपए प्रति 100 CFT निर्धारित किया गया था, मगर कुछ जगहों पर 600 से 800 रुपए ज्यादा लिए जाते हैं। एसएससी के सीएचएसएल 2017 में 5,869 परीक्षार्थियों ने मारी बाजी। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2017 का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 5,869 उम्मीदवारों ने यह परीक्षा क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफाइड सभी छात्र छात्राएं एसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट से जुड़ी सारी जानकारी ले सकती है। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्रों का चयन जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। संजय जायसवाल बने भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपना नामांकन भरा था, जिसके पश्चात उन्हें निर्विरोध भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से पहले डॉक्टर संजय जायसवाल ने नामांकन भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भरा था, जिसके दौरान भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष विजय रहाटकर समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। सुशील मोदी ने राजस्व प्राप्ति में जीएसटी दरों का किया ऐलान। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 92वीं वार्षिक आम बैठक का संबोधन करने के दौरान यह ऐलान किया है कि राजस्व प्राप्ति में स्थिरता आने तक जीएसटी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए मीडिया से राजस्व विभाग में जीएसटी को ध्यान में रखते हुए जो भी खबरें सामने आ रही है वो सब गलत है और निराधार है। बांका राजेंद्रगर इंटरसिटी में घटाए गए जनरल कोच। बांका राजेंद्रगर के बीच परिचालित होने वाली बांका इंटरसिटी कोच में जनरल डिब्बो को हटा दिया गया है, जिसके पश्चात अब इस ट्रेन में केवल 8 जनरल डिब्बे ही बचे हैं। आपको बता दें, रेलवे विभाग ने बांका इंटरसिटी कोच से इन सभी जनरल डिब्बों को हटाकर 2 AC 3 टायर और 2 सेकंड AC के डिब्बों को जोड़ने के उद्देश्य से किया है, जिसके पश्चात 23 दिसंबर से यानी कि आज से बांका इंटरसिटी में एसी में कुल मिलाकर 7 डिब्बे हो जाएंगे। पैक्स चुनाव के परिणाम के बाद नए चेहरे हुए शामिल। बिहार के भागलपुर जिले में 4 प्रखंडों में कुछ ही दिनों पहले हुए पैक्स चुनाव के परिणाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें कि अंतिम चरण में नाथनगर, सबौर, इस्माइलपुर और गोपालपुर सीट पर नए चेहरों ने अपनी दावेदारी दर्ज कर ली है। वहीं कई ऐसे प्रखंड भी है जहां पर पुराने चेहरों ने ही दोबारा से अपनी दावेदारी दर्ज की है। भागलपुर में मुख्यमंत्री के आगमन की हो रही है तैयारियां। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के जिले में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बाबत भागलपुर के जिलाधिकारी ने सब अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। जदयू ने प्रधानमंत्री मोदी से एनडीए की बैठक बुलाने की मांग की। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर एनडीए सरकार में अलग अलग विचार देखने को मिल रहे हैं। जहां पर जदयू ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर भाजपा का समर्थन किया था, वहीं एनआरसी के मुद्दे पर जदयू ने पहले ही अपना पक्ष साफ करते हुए यह साफ कह दिया है कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होने दिया जाएगा, जिसके पश्चात एनडीए में अलग अलग विचारधारा के कारण जदयू ने प्रधानमंत्री मोदी से एनडीए दलों की बैठक करवाने की मांग की है। क्रिसमस से पहले सांता बनकर बच्चों से मिले विराट।
भारतीय टीम के बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान विराट कोहली एक उम्दा खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में विराट कोहली ने एक शेल्टर होम में पढ़ रहे छात्रों को सेंटा बनकर सरप्राइज किया था। इसके साथ ही उनके मनपसंद की चीजें भी उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में दी थी, जिसका वीडियो स्टार स्पोर्ट्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया साइट से किया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे विराट ने सेंटा बनकर वहां रह रहे छात्रों से मुलाकात की, साथ ही साथ ढेर सारी मस्ती भी की। युवराज सिंह को पीछे छोड़ आईपीएल में इतिहास रचने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे एरॉन फिंच। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान एरॉन फिंच को आरसीबी ने 4,40,00,000 रुपए में खरीद कर अपने साथ जोड़ा है, जिसके साथ ही एरॉन फिंच ने आईपीएल इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वे आईपीएल 2020 के मैच में आरसीबी की तरफ से जैसे ही मैदान में उतरेंगे आईपीएल में 8 टीमों की तरफ से खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। एरॉन फिंच ने 2010 में अपने डेब्यू सीजन में राजस्थान रॉयल्स की जर्सी पहनी थी। डेब्यू के बाद अगले 2 साल फिंच दिल्ली डेयरडेविल्स, जो कि अब दिल्ली कैपिटल्स है, की ओर से खेला था। फिर 2013 में उन्हें पुणे वॉरियर्स की टीम ने खरीदा, 2014 में सनराइजर हैदराबाद, 2015 में मुंबई इंडियंस और 2016 में गुजरात लॉयंस की ओर से खेले। 2017 और 2019 तक वह किंग्स 11 पंजाब के लिए खेले, लेकिन 2020 में उन्हें आरसीबी की टीम ने खरीद लिया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,150 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,150 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 48,200 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.3 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.77 रुपए प्रति लीटर था। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। पछुआ हवा के कारण ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, तो कहीं कहीं बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का बढ़ेगा, मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे तो कुछ जगहों पर हल्की धूप निकलने की भी संभावना है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बीते दिनों पहले आईपीएल ऑक्शन 2020 करवाया गया था, आपके हिसाब से कौन सी टीम इस ऑक्शन के बाद सबसे मजबूत होकर उभरी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।